इतने हेयर कट करने हैं? इतने करने हैं क्या? इतने 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 हेयर कट करने हैं? निब्बू चलना शॉपिंग करने नहीं जा रहे कपड़ों की? मेरा बहुत पेट दुख रहा है मम्मी। क्या हो गया? पीरियड्स आए मेरे को यार, अभी आना था इसको भी। देखो ना, अभी अपने को शॉपिंग करने जाना है, बर्थडे कुछ दिन के बाद में ही है, इतनी सारी तैयारियां करनी है, मेरा बहुत पेट दुख रहा है। दिखा क्या हो गया? ये देखो पीछे, ये देखो, ये कलर जा ही नहीं रहा है पीठ का। अरे पूरा यहाँ तक ही कलर लगा है पूरी पीठ के ऊपर। और मुझे है ना, लास्ट ईयर मेरे बर्थडे पे जैसे ड्रेस था ना ब्लैक कलर का, उसी टाइप में ना बैकलेस से बारबी टाइप ड्रेस लेना है, लेकिन ये पीठ पे देखो एक कलर है, तो कैसे अभी? कुछ नहीं होता, छूट जाएगा अभी, है ना, एक दो दिन। मेरे को तो मम्मी कुछ समझ में ही नहीं आ रहा है, अभी मैं क्या करूँ? एक तो पीरियड्स आ गए, इतना पेट दर्द हो रहा है ऊपर से, और मेरे बालों की हालत देखो कितने गंदे हो गए हैं मेरे बाल होली के कलर से। बर्थडे तक अपन कट करवा लेंगे, हेयर कट करेंगे। हेयर कट करने देंगे क्या बट पप्पा? नहीं हो ना, मैं करवा दूंगी बर्थडे के नाम पे। ठीक है, बट अभी शॉपिंग का क्या करें? बहुत ज़्यादा पेट दर्द हो रहा है, मेरे से कुछ नहीं होगा आज, और ऊपर से चेहरा भी देखो कैसे सूख गया है। बर्थडे पैसे सूखा हुआ चेहरा लेके चलूंगी मैं। नहीं तो अच्छा कर, चेहरा थोड़ा सा फ्रेश हो जा, आराम कर, और आराम करने के बाद उठ के थोड़ा कुछ खा ले, फिर अच्छा लगेगा। ठीक है, बहुत सारे काम है, बर्थडे एकदम नजदीक आया है, और तू ऐसे बीमार मत पड़। हाँ, बर्थडे एकदम ग्रैंड करना है, चिकू बेबी का थर्ड बर्थडे है ना, चिकू बेबी के लिए एकदम ऐसे ही हो जाऊंगी मैं। लेकिन गर्ल्स आप रिलेट करोगे, कितना भयानक वाला पेट दर्द होता है, और ऊपर से मेरे बालों की हालत ऐसी है, मेरे पीठ पे कलर। तेरे तो ठीक लग रहे मेरे, देख। हाँ, ये मम्मी के बाल देखो, पूरा पक्का वाला कलर है ना, बालों में भी लगा दिया है किसी ने, बाल बहुत खराब हो गए। आपका भी ट्रीटमेंट करा लेंगे मम्मी, मम्मी का भी ट्रीटमेंट कराना पड़ेगा, बट ये पीठ के कलर का क्या करूँ मैं? छूट जाएगा वो, कोई देसी जुगाड़ यूज करेंगे। हाँ नहीं, और पीठ पे लड़कियों ने पीठ पे भी कलर मार दिया मेरे। और हाथ के पंजे ही मारे पीठ के ऊपर, ऐसा हाथ के पंजे ला के मारे हैं। हाँ, क्या लड़कियां भी ना। ओपन करो मम्मी आईज, देखो मम्मी ने ना ये लैश एक्सटेंशन करवाए, कितने प्रिटी लग रहे हैं। अच्छे लग रहे हैं, मुझे भी बहुत पसंद आया। आप सब लोग क्या बोलते हो, मुझे भी ऐसे लैश एक्सटेंशन करनी चाहिए क्या बर्थडे से पहले? कमेंट्स में बताओ प्लीज, अगर आप हाँ बोलोगे तो ही मैं ये लैश एक्सटेंशन करूंगी। मुझे तो बहुत प्रीटी लग रही है, एकदम सुंदर लग रही है मम्मी। और नेल्स दिखाओ मम्मी अपने, ये देखो, ये रहे मम्मी के प्रीटी प्रीटी नेल एक्सटेंशन, ये कलर छूटने के बाद और प्रीटी लगेंगे। तो लास्ट ईयर है ना हमारे बर्थडे पे, हमारा ब्लू ड्रेस कोड था, मतलब वो हमने प्लान बिल्कुल भी नहीं किया था, वो ऐसे ही मैच हो गया था। जैसे पापा के पास एक ही ब्लू शर्ट था तो उन्होंने वो पहन लिया, और कृष्णा और चिकू दोनों को हमने ना ब्लू कलर का कोट लिया था, और मम्मी के पास एक बहुत अच्छी ब्लू साड़ी थी, तो वो है ना वैसे मैच हो गया सबका ड्रेस कोड, और मेरा ब्लैक था तो बहुत अच्छा लग रहा था। लेकिन है ना, मैं इस बार चाहती हूँ कि हम है ना प्लानिंग करके ड्रेस कोड मैच करें, तो आपको क्या लगता है हमको कैसा ड्रेस कोड रखना चाहिए? तैयारी नहीं करनी है ना भाई, बर्थडे की कोई तैयारी है चिकू तेरी? क्या करना है बर्थडे में तुझे? बर्थडे में ना लड़कियों को मेरे से दूर रखने का, दूर। क्या चाहिए बर्थडे में? जोर से बोल, सुनने नहीं दे रहा। बच्चे दीदी का बर्थडे, तो तुझे क्या चाहिए, और तू दीदी को क्या गिफ्ट देने वाला है? हाँ, मेरे को क्या गिफ्ट देने वाला है वो बता पहले। अरे बोल भाई, क्या ऐसे जल्दी बोल, क्या देने वाला है? सरप्राइज रखने वाला है क्या? अच्छा ठीक है, मत बता, कोई बात नहीं, चलेगा चलेगा। वो छोटा मोटा गिफ्ट भी मेरे लिए बहुत बड़ा है। मम्मी के देख के इतने प्रिटी लग रहे हैं ना लैश एक्सटेंशन, एक बार तो ट्राई कर ही सकते हैं ना यार, आपको क्या लगता है, करा लूँ एक बार लैश एक्सटेंशन? और मुझे है ना मेरे बर्थडे की ड्रेस की शॉपिंग करने के लिए भी जाना था, लेकिन मुझे अभी पीरियड्स आ गए यार,
तो बिल्कुल भी हिम्मत नहीं हो रही है चलने की, क्योंकि बहुत ज्यादा पेट दर्द हो रहा है, बहुत क्रैम्प्स आ रहे हैं। 30 मार्च को मेरा बर्थडे आता है, तो मैं सोच रही हूँ कि अपने खुद को है ना पैम्पर करूँ हेयर ट्रीटमेंट करके। ऐसे उलझे हुए रहते हैं, मैं कितना भी कॉम कर लूँ ना ऐसे ही रहते ही है। आपने कुछ दिन पहले देखा होगा कि पापा ने हेयर ट्रीटमेंट की थी, उनके बाल इतने ज़्यादा अच्छे हो गए, इतने सिल्की हो गए और इतने लंबे हो गए कि मेरा और मम्मी का मन कर रहा है कि हम भी वही हेयर ट्रीटमेंट करें। और वैसे भी मेरा अभी बर्थडे मंथ स्टार्ट हो गया और मुझे है ना हेयर ट्रीटमेंट करानी थी, तो आज ही से ही आज ही हम हेयर ट्रीटमेंट कराएंगे। नीचे आर्यन आ गया है, हम लोग मम्मी और मैं हम दोनों हेयर ट्रीटमेंट कराने वाले हैं। तो ये देख लो, ये है मेरे हेयर्स का बिफोर लुक, मैं अच्छे से दिखाती हूँ आपको। इतने ज़्यादा उलझे हुए हो गए मैं, और मैं ना कलर भी कराने वाली हूँ। हेयर कलर, कौन सा हेयर कलर कराऊंगी आपको बताती हूँ। रेडी रहना आप सब लोग मेरे हेयर का फाइनल लुक देखने के लिए। अभी नीचे चलते हैं और देखते हैं कैसी ट्रीटमेंट होगी। तो मेरे साथ साथ है ना मम्मी के हेयर्स भी बहुत ज्यादा डैमेज हो गए, तो मैंने मम्मी को फोर्स किया कि आप भी मेरे साथ हेयर ट्रीटमेंट कराओ। सो ये देखो, ये आ गए आर्यन। हाय, कैसे हो आप? मैं ठीक हूँ। तो अभी सबसे पहले मम्मी की हेयर ट्रीटमेंट स्टार्ट हो रही है, आप हेयर कलर कराने वाले हो, बताओ सबको। यस yes, मैं हेयर कलर कराऊंगी और आर्यन मेरा हेयर कलर ऐसे कराएगा कि मैं बहुत सुंदर दिखूंगी। वैसे भी दिखते हो हाँ ना, तो और ज्यादा सुंदर और 10 साल से छोटी दिखूंगी। यस yes, जैसे पप्पा भी लग रहे हैं छोटे। आर्यन ने कराई थी वो भी ट्रीटमेंट, तो बहुत सही लग रहे हैं। अरे तो आपके बाल अच्छे लग रहे हैं, ऐसे बोल रहे थे ना सारी लेडीज, तभी तो मम्मी हेयर ट्रीटमेंट करा रही है उनकी। अरे तुम्हारा छोड़ो, मेरा देखो। चलो चलो पप्पा। हाँ कौन सा कलर करने वाले मम्मी के हेयर पे? चॉकलेट ब्राउन। चॉकलेट ब्राउन, ओके, अच्छे लगेंगे मम्मी, डोंट वरी, यंग लगोगे आप। हाँ यंग ही है, लगते नहीं है ना, 3 बच्चों की मम्मी है ये। हाँ मम्मी हो। और ये पीछे के मैस को इग्नोर करना, क्योंकि अभी घर का काम चल रहा है, इसीलिए सारे कपड़े इधर ही रखने पड़ते हैं। धूल मिट्टी सब उड़ता है ना घर में। हाँ। और तोड़ फोड़ का काम ज्यादा चल रहा है हमारे। तो ये एप्लीकेशन लगाने के बाद में कितनी देर रखना है? 45 मिनट्स। ओके, मम्मी का एप्लीकेशन हो गया 45 मिनट, उनको वेट करना है। तब तक है ना मैं हेयर वॉश करके आ जाती हूँ, क्योंकि अभी मेरी बारी है ट्रीटमेंट चालू करने की। बैठे रहो अभी आप 45 मिनट्स, अभी आई मैं। तो मैं आ गई हूँ हेयर वॉश करके, मुझे भी हेयर कट करने का मन कर रहा है, बट क्या करूँ, पापा करने नहीं देंगे मेरे को हेयर कट, और अगर कर भी लिया मैंने तो बहुत ज़्यादा डांटेंगे। तो सोच रही हूँ करूँ कि ना करूँ, आप लोग क्या बोलते हो कॉमेंट्स में बताओ। तो मम्मी भी नहीं बोल रही है मुझे हेयर कट के लिए इस बार, थोड़े लॉन्ग हेयर्स अच्छे लगते। मम्मी यही नॉर्मल ट्रिम करते हैं, नॉर्मल ट्रिम करना पड़ेगा हेयर को, थोड़ा सा कर लेंगे। हाफ इंच दिखाओ मम्मी का हेयर कट, हम लोग है ना इस स्टाइल में करने वाले हैं, मतलब एकदम प्रीटी लगेंगे मम्मी के हेयर। देखो अभी है ना हेयर कलर लग रहा है मेरे बालों में, और कौन सा कलर करा रहे हैं बताओ एक बार आर्यन। मैं चॉकलेट ब्लॉन्ड रहने वाला है, मैम का चॉकलेट ब्राउन हो रहा है, सही चॉकलेट ब्लॉन्ड रहने वाला है। अच्छा ओके। हाय जी, ये क्या दीदी तेरे अकेले का बर्थडे थोड़ी है, ये तो मेरा भी तो बर्थडे, मेरा भी बर्थडे आ रहा, तो मेरे को भी पैंपर पिंपर पिंपर करने का है। कलर एप्लीकेशन हो गया है, और ये है ना एप्रोन पहनने के बाद में मैं किलविश लग रही हूँ, अंधेरा कायम रहे। किस किस ने शक्तिमान देखा है कमेंट्स में बताना। अंधेरा कायम रहे गाइस। अबे 45 मिनट्स क्या करूंगी यार, मैं कुछ तो करना है ना। टन 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 टन। पापा आप हमारा देख के ट्रीटमेंट करा रहे हो ना? अरे मेरे बाल पिछले बार इतने जबरदस्त करके दिया उसने कि बस अभी मैं एक बार फिर से करूंगा, तो मैं तो उसके बाद में तुमसे बात ही नहीं करूंगा किसी से, जब मेरे बाल एकदम जबरदस्त हो जाएंगे। लास्ट टाइम भी यही बोला था आपने, पर आप ही ने बात की थी हमसे, तो पापा आज तो मेरे ऐसे हीरो के जैसे बाल हो जाएंगे, मैं छोटे मोटे लोगों से बात नहीं करूंगा। हम भी ट्रीटमेंट करा रहे हैं पापा नो। देखो मम्मी, देखो सुनो आप जरा, मैं खुद ही बात नहीं करने वाली। पापा जाने दो, वैसे भी अपन है ना जेंटस लोग, बॉयज अपन जेंटस, तो अपन है ना लेडीज लोगों से बात नहीं करने का, लेडीज लोगों से नहीं करने का बात है। अंधेरा कायम रहे गाइस। तो मैंने ना हेयर
करेंगे, फिर उसके बाद में क्रीम लगाएंगे, फिर आयनिंग करेंगे, फिर डन ना? हाँ डन हो जाएगा। हाँ तो फिर मैं आपको मेरे हेयर्स का फाइनल लुक दिखाती हूँ, ठीक है? ज़्यादा टाइम नहीं लूँगी मैं, एकदम फास्ट फास्ट। यहाँ पे मम्मी को क्रीम लग गई है, अभी मम्मी की आयनिंग स्टार्ट होगी, फिर मैं दिखाऊंगी मम्मी के हेयर्स का फाइनल लुक। मुझे है ना और एक घंटा वेट करना है ये बाल लेके ऐसे। और पापा देखो कौन सी मूवी देख रहे हैं, आप लोग गेस कर सकते हो? गेस करो तो कौन सी मूवी है ये? पापा की फेवरेट मूवी है ये। तो पहले मैं आप सबको है ना मम्मी के हेयर्स का फाइनल लुक दिखाऊंगी, फिर पापा के हेयर्स का और फिर मेरे हेयर्स का। कृष्णा के बाप की नजर है ना हमेशा उसके ऊपर रहती है और उसके दोस्तों पे भी रहती है। अरे नहीं वो रेती पे खेल रहे ना तो लग जाएगा, फिसल के गिरेंगे, ईटा बीटा पड़े है ना वहाँ पे, इसलिए। अभी देख मेरे बाल है ना ये आयनिंग होने के बाद में ना और लंबे दिखाई देंगे। यस मैं आपको पापा के हेयर्स का फाइनल लुक दिखाती हूँ, तब आप देखना डिफरेंस। देख सकते हो पापा के बाल कितने मस्त लग रहे हैं, मतलब देखो ना यार, ये देख के तो मुझे ऐसे लग रहा है कि यार ऐसे बाल तो मुझे भी चाहिए। एकदम स्ट्रेट हो गए पापा के बाल और एकदम सिल्की हो गए। चलो अभी मैं आपको है ना मेरे पापा का हेयर्स का फाइनल लुक दिखाती हूँ और आप लोग कमेंट्स में बताना आपको कैसे लगता है, ठीक है? तो ये रहा भैया का फाइनल लुक। गंदा रहते तुम क्या हो गया ये अंदर देख क्या ये इतना गंदा रहते ये लोग इतना गंदा, इनके रूम में जाया मत कर बच्चे। नहीं जाना जाएंगे इनके रूम में जा मत तू अभी। अरे यार अभी घर का काम चल रहा है, कहाँ पे रखेंगे कपड़े? हट। आपने 10,000 कबर्ड बनाने थे फिर कबड़ बना दिए, दो में कपड़े फूले। इनके साथ मत रह रहे बच्चे, इनके साथ मत रहे बच्चे, तू पागल हो जाएगा। लेकिन मुझे ना हेयर कट भी करना है, तो कौन सा हेयर कट करना चाहिए बताओ थोड़ा। मेरे ख्याल से आपको नॉर्मल हेयर कट ही करना चाहिए, क्योंकि आपकी हेयर बहुत ही हेल्दी हो चुके और कुछ एडवांस कट करोगे आप हाँ। तो चांसेस है डैमेज होने के फिर से। अच्छा तो नॉर्मल हेयर कट ही ठीक रहेगा। और फाइनली गाइस मैं हेयर कट करा रही हूँ, मैंने पापा से पूछ लिया तो पापा ने परमिशन दे दिया। इतने हेयर कट करने? इतने करने हैं क्या? इतने 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 हेयर कट करने हैं? ऐसे है ना सामने से बाउंस आना चाहिए, वैसे हेयर कट चाहिए मुझे। ओके चलेगा। देखो मेरे हेयर्स कट हो रहे हैं, थोड़े थोड़े हेयर्स ही कट कर रहे हैं, क्योंकि मुझे भी अच्छा नहीं लगता कि मैं ऐसे पूरे हेयर कट करूँ इतने बड़े बड़े, लेकिन ठीक है थोड़े से कर सकते हैं। तो क्या आप लोग रेडी हो मेरे हेयर्स का फाइनल लुक देखने के लिए? लग रहा है मुझे तो एकदम अच्छा लग रहा है, एकदम सॉफ्ट एंड शाइनी हेयर्स हो गए मेरे, और जितने भी डैमेज हेयर थे ना वो भी हेयर कट में चले गए। ये देखो बैक का लुक भी बहुत अच्छा आ रहा है मेरे हेयर्स का, मैं क्या ही बताऊँ, बहुत खुश हूँ मैं ये हेयर ट्रीटमेंट करा के। तो बर्थडे से पहले मेरी हेयर ट्रीटमेंट एंड हेयर कट तो हो गया, अब ये बताओ आईलैशेस एक्सटेंशन करा लूँ बर्थडे से पहले?
और हाँ, बर्थडे ड्रेसेस शॉपिंग वीडियो चाहिए वो भी कमेंट में जरूर बताना। बर्थडे में मुझे पूरी बार्बी जैसे ही दिखना है, तो जल्दी से वीडियो को लाइक करो एंड चैनल को सब्सक्राइब करो। सो अगर आपको भी हेयर कट या फिर हेयर ट्रीटमेंट कुछ भी कराना है तो मैंने आर्यन की आईडी डिस्क्रिप्शन में मेंशन कर दी और आपको स्क्रीन पे भी दिखाई दे रही होंगी। और मेरे स्टूडियो का नाम है द बेला ब्यूटी मेकअप स्टूडियो।